वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भानु प्रकाश बायोलॉजी। आज हम टॉपिक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व या ऑक्सीजन वियोजन वक्र को डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म को डिस्कशन किया था। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैकेनिज्म में तीन स्टेप में से लास्ट जो स्टेप था उसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज को डिस्कशन किया था। उस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में ऑक्सीजन गैस के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसको हमने वहाँ यह कहकर छोड़ा था कि भी इसको एक अलग वीडियो के रूप में आप इसको डिस्कशन करेंगे। एक्चुअल में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन या परिभाषा के तौर पर आप सबसे पहले इसके अंदर देखें कि भी ये ऑक्सीजन वियोजन वक्र है क्या चीज़। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन PO2 एंड प्रेजेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर कि भी ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर एक पैरामीटर के ऊपर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं, और जबकि दूसरे पैरामीटर के ऊपर आप जो है कितने परसेंटेज जो है इस पार्शियल प्रेशर के हिसाब से जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रही है, यानी कि परसेंट सेचुरेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जो परसेंटेज है उसको यहाँ पर बताया गया। ये ग्राफ जो है वो आपका एक्चुअल में इस तरीके से एस शेप में मिलता है, तो इसे आप सिग्मोइड या एस शेप ग्राफ के नाम से जानते हैं। हम इस ग्राफ को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले देखें इसके अंदर कि भी यहाँ जो एक पैरामीटर के ऊपर PO2 देख रहे हैं, तो ये PO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन जो है वो बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जो दर है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है इसके अंदर। तो यहाँ आप देखें इसके अंदर जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है यहाँ पर जो ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की प्रोसेस है वो भी ज़्यादा हो रही है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की दर वो क्या हो रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर आपको एक सीधी स्ट्रेट जो है लाइन आपको इसके अंदर दोनों पैरामीटर के बीच में मिल रही है। आप देखें इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 30 mm ऑफ HG के ऊपर 50% जो है आपका सेचुरेशन हो जाता है। यहाँ देखो इसके अंदर 50% सेचुरेशन को किस तरीके से आप समझेंगे, मैं एक और एग्जांपल की हेल्प से इसको समझाने का प्रयास करूँगा, जिसमें आप देखें सपोज ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपके 100 मॉलिक्यूल जो है वो हीमोग्लोबिन के हैं। इस 100 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन जो है उस 100 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के अंदर आप बाहर से आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन गैस को जो है पार्शियल प्रेशर के साथ अप्लाई कर रहे हैं या अंदर पहुंचा रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट PO2 का लेवल यदि 30 mm Hg यदि हो जाता है, तब उस समय यहाँ पर आप देखें कि भी यहाँ जो इन 100 मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन है, उस 100 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में से 50% जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है उनके साथ में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। इट मीन्स वो हीमोग्लोबिन जो है वो आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि 50% जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की परसेंटेज हो जाती है। तो यहाँ देखें शुरुआती जो पार्शियल प्रेशर है, थोड़े पार्शियल प्रेशर पर ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से जो वो बनता है, लेकिन जैसे जैसे आप जैसे 40 पे आपका 70% हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे PO2 लेवल धीरे धीरे करके और बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की परसेंटेज है वो घट रही है, तो एज ए रिजल्ट ग्राफ जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, झुक जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 95 mm Hg पर ये लगभग जो है यहाँ पर 95% जो है वो सेचुरेशन हो जाता है, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जो परसेंटेज है वो 95% होती है। यहाँ एक और नोटिस करने वाली बात है, चाहे अब इसके बाद में आप कितना भी प्रेशर को इनक्रीज़ कर दें, यानी कि पार्शियल प्रेशर को इनक्रीज़ कर दें ऑक्सीजन का, आपका 100% ऑक्सी हीमोग्लोबिन कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कुछ हमारे जैसे कि ब्लड के अंदर HIN जो है वो हमारे मौजूद होते हैं। HIN की टेंडेंसी ये रहती है कि भी हमारे ब्लड के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के जो जहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड होती है उस बाइंड के ऊपर वो जुड़ने का प्रयास करते हैं, एज ए रिजल्ट हीमोग्लोबिनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन की साइट जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ने की टेंडेंसी रहती है या ऑक्सीजन जहाँ पे जुड़ता है वहाँ ऑलरेडी पहले से ही HIN होता है। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन
कि वो साइट जो है ब्लॉक कर दी गई है, तो आपको 100% कभी भी ऑक्सीजन जुड़ने के लिए जो है स्थान जो है वो उपलब्ध नहीं रहेगा हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरीके से 100% रिजल्ट आपको कभी भी इस तरीके से नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ इस ग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, लेकिन इस ग्राफ को कुछ फैक्टर जो है वो क्या करते हैं, इफ़ेक्ट भी करते हैं, जिसको आप एक नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कौन कौन से फैक्टर जो है वो आपके इस ग्राफ को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें आप देखें फैक्टर अफेक्ट दी कर्व, यानी कि इस ग्राफ को किस कौन कौन फैक्टर जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें इसके अंदर राइट शिफ्ट होना, इसको आप बोहर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, मतलब जो मेन जो ये ग्राफ है इस ग्राफ का राइट साइड की तरफ जो है डिस्प्लेस होना किस कारण से जो है वो किस फैक्टर से जो है मतलब ये इस तरीके से हुआ है। तो उसमें देखें लो PO2 यानी कि पार्सल प्रेशर यदि कम हो रहा है तब उस समय आपका ग्राफ जो है वो क्या हो जाता है राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से आपका हाई PO2 हाई PCO2 यानी कि पार्सल प्रेशर ऑफ CO2 यदि इंक्रीज होगा तो उससे HIIMS प्रोड्यूस होंगे, और HIIMS प्रोड्यूस यदि हो रहे हैं तो उससे एज ए रिजल्ट क्या होगा कि भी आपका जो ग्राफ जो है वो क्या होगा एक तरीके से राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो यहाँ देखें इसके अंदर CO2 यदि ब्लड के अंदर है वो आपके रिएक्ट करेगी वाटर मॉलिक्यूल से, और वो H2CO3 की फॉर्मेशन यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड तुरंत जो है डिसोसिएट हो जाएगा एच पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव आयन के रूप में। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भी ये HIIMS जो है वो आपके pH को और जो आपकी एसिडिटी है उसको क्या करता है बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये HIIMS जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन के जुड़ने वाले स्थल पर क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, एज ए रिजल्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की परसेंटेज है वो कम हो जाती है, एज ए रिजल्ट जो है वो आपके जो ग्राफ है जो क्या होता है राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बोहर इफेक्ट जो है वो इसके अंदर शो होगा। तो इस तरीके से अगले पॉइंट वही इसके अंदर आप देख रहे हैं कि भी हाई PCO2 लेवल है, इसी तरीके से हाई HIIMS कंसंट्रेशन, जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख रहे हो समीकरण में देख रहे हो, इस तरीके से यदि CO2 लेवल बढ़ रहा है तो वो आपके HIIMS की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा। HIIMS की कंसंट्रेशन यदि बढ़ रही है तो इससे आपकी pH जो है वो आपकी लो हो जाती है और एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, और हाई टेम्परेचर, ये साथ में एक और केमिकल BPG यानी कि 2,3-bisphosphoglyceric एसिड, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं इन फैक्टर से जो है आपका ग्राफ जो है वो राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाता है। राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस होने का मतलब क्या है कि भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जो दर है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है। इस इफेक्ट को आप बोहर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका इस कर्व से रिलेटेड जो उसको इफेक्ट करने वाला बोहर इफेक्ट जो है उसको काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग भी डिस्कशन किया जाता है या फिर उसको कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे इसके अंदर कि ग्राफ ज़रूरी नहीं कि भी ये राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस हो, लेफ्ट साइड की तरफ भी डिस्प्लेस हो सकता है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाता है? तो यहाँ देखें इसके अंदर, जैसे कि आप देखो इसके अंदर इसके सारे वो फैक्टर जो ऊपर वाले फैक्टर हैं उन फैक्टर के अपोजिट जो है प्रोसेस होगी, जिसमें हाई PO2 लेवल ये एक तरीके से उसको राइट साइड की तरफ, इसी तरीके से लो PCO2 लेवल, इसी तरीके से लो टेम्परेचर हाई एसिडिटी, ठीक है, इसी तरीके से आपका जो है हाई एसिडिटी ये यहाँ पर मेंशन है, ये लो एसिडिटी रहेगा इसका जो है मतलब पॉइंट जो है इसके रिगार्डिंग, इसी तरीके से लेस HIIMS कंसंट्रेशन, इसी तरीके से एक और फैक्टर जो है इसके अंदर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा जिसमें आप देखेंगे फीटल हीमोग्लोबिन की एफिशेंसी हमारी ज़्यादा होती है। एक्चुअल में फीटल हीमोग्लोबिन जो यूट्रस में पल रहा बच्चा होता है उस बच्चे की जो है मतलब हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो है टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, और इस तरीके से उसका जो है ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है उसके अंदर ग्राफ हमेशा ही जो है राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस मिलेगा। इसी तरीके से मायोग्लोबिलिन हमारे मसल के अंदर पाए जाने वाला एक एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन के अलावा, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या करता है स्टोर करने का काम करता है। तो इस तरीके से वो जो है वो भी हमारे जो इस ग्राफ को जो है राइट साइड की तरफ डिस्प्लेस्ड करता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ कुछ फैक्टर जो है उनके रिगार्डिंग डिस्कशन किया। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो है इसके अंदर हम देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनोग्लोबिलिन ड्यू टू नाइट्रेट पॉइजनिंग रिजल्ट इन
ब्लू बेबी सिंड्रोम एक डिजीज है जिसको आप मेथेमोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं, मेथेमोग्लोबुलिन, ठीक है, जो आपका एक कंपाउंड बनता है, ठीक है, नाइट्रोजन की जो है अतिरिक्त जो मात्रा होती है अपने एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसके कारण, तो उससे जो है मतलब एक डिजीज होती है जिसे आप ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि भी आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। नई वीडियो के साथ में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।